NH3 बरू फाटक बायपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां आयशर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में 2 युवक भी घायल हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आयशर में केमिकल भरा पड़ा था, जिस कारण से गाड़ी में आग लग गई। बरू फाटक में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। सेंधवा से इंदौर की ओर जा रही आयशर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिससे आयशर में सवार 2 लोग संजू और दीपक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि आयशर में केमिकल के डब्बे भरे हुए थे, जिससे आयशर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी आयशर को अपनी चपेट में ले लिया। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली और रोड पर आवागमन चलता रहा। केमिकल के धुएं के बीच हाईवे पर वाहन गुजरते रहे। घटना के करीब 1 घंटे बाद धामनौत से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आयशर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं डायल 100 के आरक्षक संजय चौहान की माने तो हाईवे पेट्रोलिंग वालों को मार्ग परिवर्तन करने के लिए कहा गया, मगर 1 घंटे बाद भी वे नहीं आए। ये बताया कि यह आयशर क्रमांक MP09 GH 3024 सेंधवा से इंदौर तरफ जा रही थी, जिसमें कोई से केमिकल के ड्रम भरे थे, जो अनियंत्रित होकर यह हाईवे चौकी के सामने पलटी खा गई। पलटी खाने से इसमें सवार एक ड्राइवर और इसके साथी एक दोनों घायल हो गए थे, जिनको हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ठिकरी पहुंचाया गया है। और गाड़ी में अचानक उसी के कारण केमिकल जो भरा था उसके कारण आग लग गई, जो गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। अभी मार्ग परिवर्तन के लिए यह हाईवे पेट्रोलिंग वालों को बताया गया था, टेलीफोन लगाया, उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं। उनको बोला, बताया गया कि बैरिकेड्स वगैरह लेकिन यहाँ रख लो, जो गाड़ी अभी तक नहीं आई। हाईवे एम्बुलेंस डॉक्टर शैलेंद्र मंडलोई ने कहा कि आयशर असंतुलित होकर पलटी खा गई, जिसमें घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये असंतुलित होकर पलटी खा गई गाड़ी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को हमने हाईवे एम्बुलेंस से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठिकरी पहुँचाया, और उसके बाद में गाड़ी में आग लग गई। केमिकल होने की वजह से ये आग लगी है। केमिकल के कारण आयशर गाड़ी में लगी आग के बावजूद जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली, जो संबंधित जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।